हम परमात्मा को पाने का प्रयास करें और परमात्मा मिलता किसके बल पर है? निर्मल मन सो मोहि पावा। हमारा मन अगर पवित्र नहीं है, हमारा हृदय ही हम पवित्र ना रखें, आवाज नहीं आ रही पीछे, इधर साइड में भी आवाज खोलो, पीछे की आवाज खोलो। अगर हमारा मन ही पवित्र नहीं हो, हमारा चित्त ही पवित्र ना हो, तो हम फिर कितना भी पुण्य क्यों ना कर ले, हम कितना भी दान क्यों ना कर ले, हम कितना भी भजन क्यों ना कर ले, परमात्मा मिलेगा कैसे? आप सोने के सिंहासन पर भगवान को विराजमान कर दो और तुम्हारा मन ही पवित्र नहीं, तो सोने के सिंहासन से कभी परमात्मा नहीं मिल सकता, वो मिल ही नहीं सकता। आप अंबर पीताम्बर, बहुत सारा पीताम्बर भी एकाग्रित कर अगर परमात्मा को दे दो और तुम सोचो कि परमात्मा मिल जाए, तो नहीं मिल सकता, क्योंकि मन शुद्ध नहीं, हृदय शुद्ध नहीं। स्नान करने के बाद हम दर्पण के सामने जाते हैं और दर्पण में अपना मुख देखते हैं तैयार होते समय। रोज स्नान करते हैं और रोज दर्पण में मुख देखते हैं। जिस तरह से हम स्नान करने के बाद दर्पण में मुख देखते हैं कि मैं ठीक लग रहा हूं कि नहीं लग रहा, मेरा चेहरा कैसा लग रहा है, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मेरे कुंडल कैसे लग रहा है, मेरे गले की कंठी कैसी लग रही है, मेरे वस्त्र कैसे लग रहे हैं, मेरे मस्तक का श्री तिलक कैसा लग रहा है, मेरे आँखों का सुरमा कैसा लग रहा है। रोज स्नान करने के बाद हम रोज दर्पण देखते हैं कि उसमें हम लग कैसे रहे। उसी तरह जैसे स्नान करने के बाद दर्पण देखते हो कि कैसे लग रहे हो, जब भी कोई कर्म करो, काम करो, उस कर्म को करने के बाद अपने मन के दर्पण को जरूर देखो कि मैंने ठीक करा कि नहीं, मैंने श्रेष्ठ कर्म करा कि नहीं करा, मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, मैंने किसी को तकलीफ तो नहीं दी, किसी को कष्ट तो नहीं दिया। हमारे द्वारा किसी को कोई दुख तो नहीं हुआ? कई लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हैं गुरुजी, हम कहते हैं दुख से कब तक भागोगे? संसार में ऐसा कोई बता दो जिसको तकलीफ नहीं हो, जिसको दुख नहीं हो। भगवान राम भी अगर इस मृत्यु लोक पर पधारे हैं, इस पृथ्वी पर अगर मेरे राम जी का अवतार भी हुआ है, तो उनको भी दुख सहना पड़ा। तो आप और हम तो क्या है, भगवान कृष्ण भी इस पृथ्वी पर आए तो उनको भी दुख सहना पड़ा। संत तुकाराम जी हो, संत एकनाथ जी हो, मीराबाई हो, कर्माबाई हो, मुक्ताबाई हो, संसार में अगर जन्म लिया है तो कष्ट तो आता है। दुनिया के लोगों में और संत में एक बड़ा अंतर है। दुनिया के लोग दुख से भागते हैं और संत दुख से भागते नहीं, दुख से जागते हैं, और जो जागता है फिर वो नाम कमा कर बैठ जाता है। हम दुख से भागेंगे तो दुख हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है, वो तो आज है तो कल भी और कल है तो परसों भी। हम भागने की अपेक्षा संतों जैसा काम क्यों ना करें कि हम थोड़ा सा जागने का प्रयास करें, और जब हम जागने का प्रयास करेंगे तो यह निश्चित है कि हम दुख से अगर जाग गए कि हमारी तकलीफ को हमने देख लिया कि मुझे सहना है और सहकर भगवान का भजन करना है, और जाग गए
तो फिर ये दुख हमको तकलीफ नहीं देता, फिर हम उस दुख पर भी भारी पड़ जाते हैं और दुख दूर भागने लगता है। यहां इतने सारे बैठे हो आप सभी लोग और बहुत सारे भक्त लोग टीवी पर आस्था चैनल पर कथा देख रहे हैं, कोई फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहा है। कितना डराया था कोरोना के इंजेक्शन ने, कोरोना की वैक्सीन ने, बोलो सही है कि गलत है? वैक्सीन लगवा लो तो चक्कर आता है, वैक्सीन लगवा लो तो 3-4-8 दिन तक लगवाओगे तो वो होगा, पर जो वैक्सीन लगवाकर आ गए, जिनने वैक्सीन एक बार लगवा ली, जिनने इंजेक्शन लगवा लिया, जिनने इंजेक्शन को लगवाया, वैक्सीन को लगवाया, अब लगवाने के बाद कोई तुमसे पूछता है कि साहब तुमने वैक्सीन लगवाई थी, इंजेक्शन लगवाया था, कोई तकलीफ हुई क्या, तो तुम क्या कहते? अरे हो, कई तकलीफ हो, अब इतना थोड़ा बहुत तो सब चलता रहता, पर तकलीफ कोई ऐसी तकलीफ नहीं हुई कि हमको ये हाथ दुख गया, कि हाथ ही 8 दिन तक नहीं उठा, या हमको ये तकलीफ आई, क्योंकि तुम उस दुख से निकल चुके हो, तुमने वो वैक्सीन लगवा ली है, तुमने वो इंजेक्शन लगवा लिया, अब तुम्हें डर नहीं लग रहा। अब तो कोई तुमसे कह दे कि ये कोरोना की 4th डोज है या 3rd डोज है, ये लेना पड़ेगा, तो तुम कह देते हो हमारा नंबर लगा, हम लेकर आते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? जो दुख को सहन करना चालू कर देता है, जो दुख को सह जाता है, वही दुनिया में नाम कमा कर आगे बढ़ जाता है। जो दुखी नहीं सह पाया, तकलीफ ही नहीं सह पाया, तो आगे कैसे बढ़े? राम वन गए तो राम बन गए, अगर राम वन नहीं जाते तो राम कभी राम नहीं बन पाते। राम जी का वन जाना राम जी के बनने का मूल है। राम वन गए तो राम बन गए, अगर राम बन ना जाते तो राम कभी राम नहीं बन पाते। उनके बनने का कारण केवल इतना सा है कि उन्होंने संत साधु सन्यासी तपस्वी और ठोकरों को सहते 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 दुख सहते सहते 14 वर्ष निकाल दिए, और 14 वर्ष निकाल कर उनको उनसे पूछा जाए कि तुमने इस वन में रहने पर तुम्हें सुख क्या मिला, तो राम जी कहते हैं जो सुख राज सिंहासन पर नहीं, वो सुख में जब संतों के दरवाजे पर, साधुओं के दरवाजे पर, ऋषियों के दरवाजे पर गया, तो वो सुख मुझे प्राप्त हुआ, वो सुख मुझे मिला। जो दुनिया में कहीं सुख नहीं, वो सुख परमात्मा के चरणों में। परमात्मा के चरणारविंद का वो सुख है। कभी एकांत में बैठकर शिव जी के मंत्र जाप को, ओम नमः शिवाय हो, चाहे नमः शिवाय हो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, चाहे राम नाम हो, चाहे हरि विट्ठल हो, चाहे कृष्ण नाम हो, चाहे तुम जो नाम जपते हो, हम तुम पर कभी दबाव नहीं दिए कि तुम्हें यह नाम जपना पड़ेगा, तुम्हारी मर्जी। जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में नहीं लिखा कि तुम ये नाम जपो, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि कलयुग में तुम राम नाम जपना, ये तुलसीदास जी ने नहीं लिखा। तुलसीदास जी ने लिखा कलयुग केवल नाम आधार और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, तुलसीदास जी ने यह नहीं लिखा कि कलयुग केवल राम धारा, उन्होंने लिखा नाम धारा। नाम धारा का मतलब है तुम जो जपोगे, तुम जो भजोगे, तुम्हारी मर्जी, तुम राम जपो, कृष्ण जपो, शिव जपो, दत्त जपो, पांडुरंगा जपो, हरि विट्ठल जपो, तुकाराम जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम जो जपोगे, बस तुम जो जप रहे हो वो जपने पर तुम पार उतर जाओगे। तुलसीदास जी ने लिखा कलयुग से पार उतरने का साधन है कलयुग केवल नाम अधारा। उन्होंने राम भी नहीं लिखा कि राम अधारा, उन्होंने लिखा नाम अधारा, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम उसको भजना और भजकर पार उतर जाना।
ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हें जपना क्या है। महाराज, बेटा पढ़ाई करना चाहता है इंजीनियर की, उसकी इच्छा है मैं इंजीनियर बनूं और मैं पढ़ सकता हूं, मैं अध्ययन कर सकता हूं, और घर में मम्मी और पापा कह रहे हैं, उसकी आई कह रही है, उसके बाबू कह रहे हैं, उसके पिताजी कह रहे हैं, नहीं तुझे तो डॉक्टर बनना है और सीए बनना है। अब बेटा क्या बनना चाहता है? बोलो बोलो जम के। इंजीनियर। और पिताजी क्या कह रहे हैं? डॉक्टर बन या सीए बन। मां कह रही है या तो डॉक्टर बन या सीए बन। बेटा चाहता है मैं इंजीनियर बनूं, और घर के लोग चाहते हैं कि ये डॉक्टर बने, ये सीए बने। अब तुम उसको डॉक्टर बनाने में लग जाओ, सीए बनाने में लग जाओ, उसकी रुचि नहीं है तो वो डॉक्टर और सीए नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी रुचि इंजीनियर बनने में है। उसी तरह आपकी रुचि अगर राम में है तो आप राम भज लो, आपकी रुचि शंकर में है शंकर भज लो, आपकी रुचि दत्त में है दत्त भज लो, आपकी रुचि हरि विट्ठल में है तो विट्ठल भज लो। उससे होगा क्या? अगर वो इंजीनियर की पढ़ाई अच्छे दिल से कर लेगा तो एक अच्छी पथ पर जाकर बैठ जाएगा। अगर आप जिसका भजन कर रहे हो उसको दिल से कर लिया तो उसी में राम, उसी में शंकर, उसी में कृष्ण सबका दर्शन हो जाएगा। आप जपो तो, आप बजो तो। अपन स्वयं, हम स्वयं अगर मंदिर तक नहीं जा सकते, हम कई बुजुर्ग बुजुर्ग माताओं से कहते हैं, माताएं कहती हैं गुरुजी आप हमें मंदिर जाने का कहते हो परंतु बात इतनी सी है गुरुदेव कि हम मंदिर जाने का विचार तो कर लेते हैं, हम मंदिर जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, पर गुरुदेव बात इतनी सी है कि शरीर से चला नहीं जाता तो, और मंदिर भी दूर पड़ता है तो हम करें तो करें क्या? एक बहन रोज एक पत्र लिखती है, शायद आज भी पत्र आया होगा, हम पढ़ नहीं पाए। वो उस पत्र में लिखती है कि गुरुजी हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव में हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं, उस गांव में हम शिव जी के, आप लिख कर भेजो मुझे, थोड़ा सा लिखिए मैं उसको देखता हूं। शंभू जरूर जरूर मैं करता हूं, शंभू बेटो जरूर करूंगा। आज कथा के बाद में 10 मिनट आपका और हमारा ही शरीर, ठीक है? बात के लिए एक माँ ने लिखा कि गुरुदेव हम जिस गांव में रहते हैं वो गांव के सेठ जी ने मंदिर बनवाया है शंकर जी का, और हम उस मंदिर में अगर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो वो बहुत अपशब्द कहता है। हमारे चक्कर में उसने भगवान को भी ताले में बंद कर दिया कि कोई जल ना चढ़े। अब हम मंदिर में जल चढ़ाने कैसे जाए, और हमारे गांव में मंदिर भी नहीं है, बस केवल एक ही मंदिर है जिसमें वो सेठ जी का बनाया हुआ है, और वो जल नहीं चढ़ाने देते और कहते हैं कि यहाँ कोई जल नहीं चढ़ाएगा, कोई कुछ नहीं चढ़ाए, और ताला लगा देते हैं। अब हम कहाँ जाएं?
मेरा उस बहन से निवेदन है। डाकघर एक होता है, बोलो सही है। उस डाकघर के जो डब्बे होते हैं लाल कलर के, इतने बड़े बड़े, वो जगह जगह टंगे होते हैं। चिट्ठी उसमें डाल दो, तुमने डाकघर में जाके चिट्ठी नहीं डाली है, तुमने चिट्ठी उस डब्बे में डाली है। चिट्ठी तुमने जाल ना भेजी, डब्बे में डाली थी, गई कि नहीं गई? अरे बोलो तो जम के। गई ना, थोड़ा पहुंचने में समय लगा। डाकघर डायरेक्ट जाते, चिट्ठी देते तो जल्दी पहुंच जाती, पर तुमने वो डब्बे में डाली तो थोड़ा पहुंचने में समय लगा। अगर डाकघर बंद है तो निवेदन है, बेलपत्री का पेड़ वो डब्बा है जिसमें जल चढ़ाने से महादेव तक पहुंच जाता है। डाकघर अगर बंद है, तुम डाकघर नहीं जा सकते, डाकघर में ताला लगा हुआ है, और चिट्ठी तुमको जालना तक पहुंचाना है। अगर तुम्हें तुम्हारे जल को महादेव तक पहुंचाना है, तो तुम चाहे पीपल का वृक्ष हो, चाहे बड़ का वृक्ष हो, चाहे बेलपत्री का वृक्ष हो, चाहे जो वृक्ष हो, उसमें तुम उस परमात्मा को याद करो और दिल से कहो मेरा शंभु, मेरा शंकर। पीपल के नीचे जल चढ़ाना तो कहना पिपलेश्वर महादेव, बड़ के नीचे जल चढ़ाना तो बटकेश्वर महादेव, बेलपत्री के नीचे जल चढ़ाना तो हर हर महादेव। तुम जहां जल चढ़ाओगे मेरा शंकर उसको स्वीकार कर लेगा, भले तुम डाकघर जाओ मत जाओ। अगर कोई मंदिर में ताला लगा रहा है, यह तो सोचने वाले को सोचना चाहिए कि मंदिर खाली पड़े हुए थे, जिन मंदिर में कोई नहीं जाता था, आज कम से कम ये सनातनी जाकर मंदिर तक तो जा रहे हैं। ये तो उनको सोचना चाहिए जो मंदिर में ताले लगा रहे हैं, जो मना करते हैं कि पानी मत चढ़ाओ, जल मत चढ़ाओ, ये मत चढ़ाओ, वो मत चढ़ाओ। ये उनको सोचना चाहिए कि कम से कम सनातनी जागा है, मंदिर तक तो आ रहा है, और तुम उसमें भी क्लेश करो। तो मेरा निवेदन है, तुम्हारे घर के पास में तुम जहां, और मेरी बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, नहीं जा सकती तो तेरे घर में जो गमला हो, उस गमले में भी थोड़ी सी मिट्टी को ऊंची करना और उसको जल चढ़ा देना और वापिस पानी में, हो गया मेरा शंकर का गुणगान। अगर मंदिर में तुम्हें जाने से मना ना करें तो तुम मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, और अगर मना कर दें तो फिर अपना भगवान की भक्ति जहां बैठकर करोगे वो स्वीकार करेगा। स्वीकार वो क्यों ना सुनेगा? चीटी मंदिर जाती है, झिंगुर, जुआ, अरे बोलो तो जम के, हिरण, हाथी, जरा विचार करिए। श्रीमद् भागवत पढ़िए आप लोगों ने, सुनी है भागवत? भागवत में सुना होगा तो, भागवत में हाथी के पांव को मगर पकड़ लिया, गज के पांव को ग्रह ने पकड़ लिया, और हाथी सबको बुलाया, कोई नहीं आया। आखिरी में हाथी ने भगवान को बुलाया और भगवान आए, सुदर्शन छोड़ा, ग्रह का शीश कटा, मगर का सिर कट गया, हाथी का पांव छूट गया, हाथी डिप्रेशन में पड़ गया, हाथी का पांव छूटा और हाथी टेंशन में आ गया। अब जरा विचार करिए, आपने तो भागवत जी में सुना था कि हाथी का पांव छूटा और हाथी का भगवान ने कल्याण कर दिया, मगर का सिर कट गया, ग्रह का शीश कट गया, ये श्रीमद् भागवत में लिखा है। पर आप कह रहे हो गुरु जी कि हाथी डिप्रेशन में आ गया, हाथी टेंशन में आ गया। टेंशन में आने का कारण क्या था हाथी का? उस श्रीमद् भागवत को अगर दिल से पढ़े होगे, सुने होगे, तो हाथी
टेंशन में क्यों आया, हाथी डिप्रेशन में क्यों पड़ा। हाथी ने भगवान विष्णु को जो देखा, नारायण को जो देखा, तो हाथी ने कहा प्रभु मुझे ये आपकी आपने जो करा ये मुझे पसंद नहीं आया। तो भगवान ने पूछा क्या पसंद नहीं आया। भगवान हाथी कहता है पांव मेरा फंसा था, पांव मेरा फंसा था, पकड़ा पांव मेरा था, आपको कल्याण मेरा करना था और आपने सुदर्शन उठाकर मगर का सिर काट दिया। सबसे पहले कल्याण मेरा होना था और सबसे पहले कल्याण मगर का कर दिया। पहले कल्याण मेरा होना था और आपने कल्याण मगर का कर दिया, उसको परम पद दे दिया और मैं हाथी पड़ा हूं। भगवान नारायण ने कहा रे हाथी तू मुझे भज रहा था, तू मेरा भजन कर रहा था और वो मगर तेरे पांव को पकड़ा था। भजन करने वाले का जो पांव पकड़ता है सबसे पहले वो तरता है। भजन करने वाले का, कीर्तन करने वाले का, भगवत भजन करने वाले का पांव जो पकड़ता है सबसे पहले वो तरता है। हाथी बाद में तरा, सबसे पहले मगर तर गया, सबसे पहले ग्रह तर गया। ये तो बाद में तरा है, हाथी तो बाद में गया परम धाम पर, पहले मगर गया, पहले ग्रह गया, क्योंकि उसने चरण हाथी का पकड़ा था और वो हाथी जो भगवान को पुकार रहा था। आपसे भी निवेदन है जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ हो, भजन में डूबा हुआ हो, मंत्र जाप में डूबा हुआ हो, नाम जाप में डूबा हुआ हो, नाम स्मरण में डूबा हुआ हो, उसके चरण आप अगर पकड़ कर रखे हो तो निश्चित है सबसे पहले कल्याण आपका होगा, फिर कीर्तन वाले का, फिर भजन वाले का। पकड़ लो हाथ गिरधारी नहीं तो डूब जाए, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा तेरी शान जाए। जब हम कल यहां से जा रहे थे तो कोई यहां पर कह रहा था गुरुजी आपने सुबह 8 बजे से कथा रख दी, पुणे के लोग तो 9, 9:30, 10 बजे तक जागते हैं और फिर ऑफिस जाने की तैयारी करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी करते हैं, कल कथा में कोई नहीं आए। अब जरा अंदाजा लगा कर देखिए, पूरे 7 दिन के रिकॉर्ड तुमने आज तोड़ दिए हैं। यहां बता रहे थे कि सुबह 4 बजे से और रात को 3 बजे से लोग आना चालू हो गए थे, रात्रि भर चले हैं, रात भर भक्त आ रहे हैं, पूरी रात चले। अब पूछा एक बार रामकृष्ण परमहंस जी से वृंदावन में, रामकृष्ण भारत की भूमि के पहले संत थे, रामकृष्ण परमहंस भारत की भूमि के पहले संत थे रामकृष्ण परमहंस, जो मथुरा के रेलवे स्टेशन पर उतरे थे तो पांव के बल नहीं उतरे थे, अपने सिर के बल उतरे थे, सिर के बल रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछ लिया था रामकृष्ण परमहंस जी से कि मथुरा के रेलवे स्टेशन पर आप पांव से नहीं उतर रहे हो, सबसे पहले आप ट्रेन से अपने सिर को बाहर निकाल कर जमीन पर रख रहे हो, सिर के बल उतर रहे हो, ऐसा क्यों। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था जिस ब्रज की रज में मेरे भगवान ने अपना चरण रखा उस ब्रज की रज में सबसे पहले मैं अपना सिर रखना चाहता हूं। सिर रख वृंदावन के लोगों को मालूम पड़ा कि रामकृष्ण परमहंस जी आए हैं तो ब्रज के लोग इकट्ठे होकर आकर रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा कि एक बात बताओ। रामकृष्ण परमहंस जी से कहा संतदेव गुरुदेव एक बात बताओ, भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या था कि गोपियां आधी रात को दौड़कर आ जाती थी, भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या था कि गोपियां आधी रात को भाग कर आ जाती थी, भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या था कि गोपियां सुध भूल कर आ जाती थी, ऐसा बंसी में था क्या, ऐसा बंसी में था क्या जो गोपियां सुध भूल कर
ऐसा क्या है बंसी के, ऐसा ऐसा बंसी में था क्या? भगवान रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा इसका उत्तर हम देंगे, रात्रि को तुम 3 बजे यमुना जी के घाट पर आ जाओ। 3 बजे रात्रि को लोग यमुना जी के घाट पर पहुंच गए, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं गए। 4 बज गई रामकृष्ण परमहंस जी नहीं गए। सुबह की 6 बज गई रामकृष्ण परमहंस जी नहीं गए। 7 बज गई तब रामकृष्ण परमहंस जी यमुना जी के घाट पर गए। लाखों की भीड़ थी, सबने पूछा गुरुदेव बताओ ना भगवान की बंसी में ऐसा क्या था कि गोपियां आधी रात को अपना घर छोड़कर चली जाती थी। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा भगवान की बंसी में ऐसा क्या था वो तो मुझे नहीं मालूम, पर आज भी उनकी बंसी में दम है, इसलिए तुम आधी रात को यहाँ इकट्ठे बैठे हो। आधी रात को तुम इतने सारे आयो, आज भी उनकी बंसी में कुछ तो होगा, कुछ तो सुख होगा, अर्थात शिव महापुराण की कथा में कुछ तो होगा। जो लोग रात्रि को 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे कोई समय नहीं देख रहा चले भगवत भजन की ओर, कुछ तो होगा। और वो क्या है शिव भगवान की इस कथा में, क्या है शिव महापुराण की इस कथा में, वो तो वही जानता है। पर ये निश्चित है खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहे बसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। वो साधता है, आज कथा का विराम दिवस है, मेहमान जाते हैं, मेहमान 10-15 दिन तक रहते हैं, तब तक अपने घर के बच्चों को 500 रुपए नहीं देते हैं। तुम्हारे यहां पुणे के मेहमान देते हो रोज 500 का नोट तो बात दूसरी है, तो ऐसे मेहमान हमारे यहां भी भेज देना। मेहमान 15 दिन घर में रहते हैं, अपने घर के बच्चों को रोज 500 रुपए नहीं देते हैं, पर मेहमान जिस दिन जाता है उस दिन देकर जाता। बस शिव महापुराण भी ऐसी ही है। 7 दिन तक मेरा कुबेर भंडारी इस पुणे नगर में आया, शंकर भाव कथा करवा लिए, जगताप परिवार कथा करवाया, आप सबने सुना। आज पिता जब जा रहा होता है तो अपने घर के पोता पोतियों को टॉफी देकर जाता ही है, कुछ देकर जाता है, जाए। विदाई का दिन रहता है 7वां दिन, पर खुशी का दिन भी होता है 7वां दिन, क्योंकि 500 रुपए मिलते हैं। मौसी जाती है, मामा जाते हैं, काका जाते हैं, भाऊ जाते हैं, जीजी जाती है, जीजा जाते हैं, तो दुख तो होता है कि जा रहे हैं, पर बच्चों को खुशी इस बात की भी होती है, दरवाजे के पास इसलिए खड़े होते हैं, बुआ जी बैग ले जाते, बच्चे इसलिए हैं क्योंकि जाएगी ना तो कुछ दे के जाएगी, खुशी है। जाने का दुख भी है, प्रसन्नता भी है।
आप भी मेरे भोलेनाथ जी से कहना, बाबा आप जा रहे हो ना कुबेर भंडारी, पर जाते जाते ऐसी कृपा जरूर कर कर जाना, ऐसा धन हमको भी देना कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा हम भी करवा सकें। ऐसा वैभव हमको भी दे। यहां से जा रहे थे तो वो चौराहा आता है, वो चौराहे पे लोग फूल फेंक के मार रहे थे ऐसे। अब आज के जमाने में लोग फूल तो फेंकते नहीं, बस केवल निशाना साधते हैं। तो वो पीछे से कोई चिल्ला रहा था, महाराज जी हर साल आया करो। तो हमने उनसे काम, गणेश जी नहीं है, हर साल आया करो। तो भाव ये प्रेम है, ये पुणे का महाराष्ट्र का ये वात्सल्यता है कि आया करो, ये प्रेम। जाने का दुख भी है तो मिलने का दुख भी, प्रसन्नता भी है कि मेरा बाबा विराम वाले दिन जब मेरा कुबेर भंडारे की कथा पूरी होती है, ये कुबेरेश्वर धाम, ये कुबेर भंडारी की जो 7 दिवसीय शिव महापुराण जब पूरी होती है, तो वो जाते जाते आखिरी दिन जिसके पास जो बैग हो, जिसके पास जो झोली हो, जिसके पास जो सामान हो, समझ लेना वो खाली नहीं रखता, वो देखकर ही भेजता है, भर कर भेजता है। आता क्या खाली रखेगा। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम बाबा के भरोसे पर हैं, हम किसके सहारे जी। अड़चने बहुत आती हैं जिंदगी में, पर संभलना भी हमको ही है। 7वें नंबर का जो विनायक का वर्णन, अष्ट विनायक में 6 विनायक का स्मरण अपन ने कल तक करा था, 7वें जो विनायक का वर्णन किया गया है वो विघ्नेश्वर विनायक, विघ्नहर्ता। पशुपति व्रत करने से, जल चढ़ाने से, शिव महापुराण की कथा सुनने से आपकी जिंदगी में अगर थोड़ा सा भी लाभ मिला है तो एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर बाबा को धन्यवाद जरूर दिया करो कि बाबा तुम